इंडिया के अगर ईवी मार्केट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही कंपनी है जो ईवीज बनाती हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है टाटा ग्रुप एंड महिंद्रा ग्रुप। यही दो ऐसी कंपनीज हैं जो फोकस कर रही हैं पेट्रोल और डीजल सेगमेंट में और ईवीज में भी। और अगर कोई व्यक्ति अगर ईवी लेना चाहता है तो उसके पास नेक्सॉन ईवी मैक्स और XUV400 MG की ZS ईवी गाड़ियों का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक उसी तरह एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है किया मोटर्स। अगर किया मोटर्स की बात करें तो 2019 में अगस्त के महीने में किया ने अपना प्रोडक्शन शुरू किया था इंडिया के मार्केट में, और इनकी सेल्स अच्छी होती चली गई और इन्होंने एक के बाद एक नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू कर दिए, जैसे सेल्टॉस, सोनेट और कार्नविल, और सबसे लास्ट में इन्होंने लॉन्च किया किया कैरेंस को। कैरेंस नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। कैरेंस जो है फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा व्हीकल है, इसमें आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, ओवरऑल व्हीकल बहुत ही पावरफुल। किया मोटर्स ने कैरेंस को फुली इलेक्ट्रिक करने की सोच ली है और किया ने पूरी शिद्दत के साथ कमर कस के कैरेंस पर काम शुरू कर दिया है। बात की जाए किया कैरेंस की, दक्षिण कोरिया में टेस्टिंग करती हुई दिखी है, जिसका स्पाइस शॉट पूरे वायरल हो रहा है पूरी यूट्यूब पे, जो कि लोगों को बहुत ही पसंद आया है। न्यूज के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि बैटरी पावर ट्रेन है वो हुंडई से लेने की सोच रखी है किया मोटर्स ने। अब बात कर लेते हैं इस व्हीकल में आपको अच्छा क्या मिलता है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्पेशियस कैबिन। इसके जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसका कैबिन स्पेस बहुत अच्छा है। इसका कैबिन स्पेस जो कि आपको इसमें पीछे की तरफ कैप्टन सीट्स मिल जाती हैं, उसके बाद भी आपको जो थर्ड रो सीट है उसको आप फोल्ड करने के बाद आपको अच्छा खासा लेग रूम वगैरह मिल जाता है, अच्छा स्पेस मिल जाता है। वहीं अगर हम बजट सेगमेंट की ईवी की बात करें, जैसे नेक्सॉन ईवी मैक्स वगैरह में, तो 5 लोगों के बैठने के बाद भी उस गाड़ी में थोड़ा बहुत पीछे की तरफ स्पेस रह जाता है, लेकिन अगर हम किया कैरेंस की बात करें तो उसमें 7 लोगों के बैठने की जगह मिल जाती है आपको। इस लिहाजा से किया कैरेंस बहुत ही प्रैक्टिकल है अगर उसे किया मोटर्स ने लॉन्च किया तो। लॉन्चिंग डेट की अगर हम बात करें किया कैरेंस की, तो ये शायद 2024 तक लॉन्च हो जाएगी इंडियन मार्केट में। हो सकता है ये 25 के मिड तक भी आ सकती है, कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन इसका स्पाइस शॉट दक्षिण कोरिया में देखा गया था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।